कहता जब तक इस दुनिया में सिनेमा है तब तक लोग बनते रहेंगे। भाई रामाधीर सिंह ने गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैजल को समझाने की कोशिश की कि नहीं, टायर्ड हो गया, थक गया, टूट गया, बर्बाद हो गया। आखिर ऐसा क्या है कि लोग मुझसे इतना नाराज हैं? और औरंगजेब को मराठों ने मेरी गो राउंड का खेल खिला दिया। नाचते 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 टूट गया औरंगजेब। बहुत गौर से पेज नंबर 314 सतीश चंद्र 314। इन 1703 औरंगजेब ओपन्ड निगोशिएशंस विद मराठा। 1703 ही वाज प्रिपेयर्ड टू रिलीज शाहू, संभाजी का बेटा, द सन ऑफ संभाजी, हु हैड बीन कैप्चर्ड एट सतारा अलोंग विद हिज मदर। मैं अभी आ रहा हूँ उस घटना पे आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि इसे क्या करना चाहिए था। अब बीजापुर गोलकुंडा खत्म करने के बाद जो इसने बाद में सोचा कि शाहू को छोड़ दें, उसकी माँ को छोड़ दें और शाहू को राजा मान लें। शाहू हैड बीन ट्रीटेड वेल, ही हैड बीन गिवन द टाइटल ऑफ राजा एंड द मनसब ऑफ 7000। देखिए ऐसा नहीं कि शाहू के साथ उसने कहा धर्म परिवर्तन कर लो और उसको टॉर्चर किया। नहीं नहीं, देख पढ़िए यहाँ पे उसने लिखा है कि Shahu had been treated well. He had been given the title of Raja and the mansab of 5,000-7,000. On coming of age, he had been married to two Maratha girls of respectable families. Aurangzeb was prepared to grant Shahu Shivaji Swaraj. क्या बात? तैयार था कि स्वराज दे दो। जो शिवाजी ने स्वराज बनाया, दे दो शाहू को। शिवाजी स्वराज and the right of Sardeshmukhi over Deccan, thus recognizing his special position. Over 70 Maratha Sardars actually assembled to receive Shahu. ये जो वो बाद में सोच रहा, हालांकि उसने ये भी नहीं किया, लास्ट मोमेंट पे उसने इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन अब 1687 में जब वो बीजापुर और गोलकुंडा को खत्म कर चुका है, उसे मराठों से समझौता कर लेना चाहिए। 1687 में बीजापुर गोलकुंडा दोनों खत्म हो गए, अब बचे मराठा, और मराठा में संभाजी। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ लिया। संग्रामेश्वर एक जगह है, एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ, वहां पर संभाजी को पकड़ लिया, संभाजी को लाया गया। इसने क्या किया औरंगजेब ने, शायद किसी व्यक्तिगत कारणों से, धार्मिक कारणों से, ऐसी कहानियां हैं कि संभाजी ने औरंगजेब को प्रपोज किया कि देखो तुम लोग मलेच्छ हो, मलेच्छ गंदे लोग हो, तो कन्वर्ट हो जाओ, धर्म बदल लो। ये बात अगर उसने अकबर से कही होती तो एक बार अकबर माफ भी कर देता, समझा हुआ आदमी था, सुलझा हुआ आदमी था। लेकिन अगर आप ये बात औरंगजेब से कह रहे हो, औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी। चलो मार दिया, आप फिर आपने बड़प्पन का परिचय नहीं दिया। आप पोरस की तरह, सिकंदर ने जैसे पोरस को छोड़ा था, आप छोड़ देते, समझौता कर लेते, समझाते कि बेटा देखो तुम्हारे अब्बा हमारे ठीक है दुश्मनी थी। भाई रामाधीर सिंह ने गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैजल को समझाने की कोशिश की कि नहीं, आपने देखा ना गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट टू, रामाधीर सिंह बुलाते हैं फैजल को कि देखो फैजल हमारा तुम्हारा कोई दुश्मनी है नहीं। तो कहता है कि आपने हमारे अब्बा को काहे मारा, तो बोला अगर हम नहीं मारते तो वो हमको मार देते। और कौन मरना चाहता है, क्या सूझ समझदारी का बात करता है रामाधीर सिंह। कहता जब तक इस दुनिया में सिनेमा है मूवी, तब तक लोग बनते रहेंगे। कहता वासेपुर तुम्हारा, तुम कमाओ। वही बात औरंगजेब को भी करनी चाहिए थी, संभाजी को बुलाता कि देखो बेटा तुम्हारे अब्बा से दुश्मनी चल रही थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मराठावाड़ तुम्हारा और दिल्ली हमारा, हो जाता सारा समझौता, हो जाता सारा समझौता। क्या जरूरत थी मारने की, मार दिया, मार दिया, मारा तो मारा, मारा तो मारा। अब उसने अब आपने गर्दन काट दी, राजा को मार दिया आपने,
अब बचे उसके प्यादे मराठा सरदार, अब किससे लड़ोगे? चेस के गेम में और मोनार्की के गेम में कौन सबसे इंपॉर्टेंट? राजा। आपने दूसरी चाल में राजा को चेक एंड मेट कर दिया, खेल खत्म। आप कह रहे नहीं, अभी प्यादों को भी मैं मारूंगा। कुछ बातें औरंगजेब की ऐसी है ना जो ये साबित करती हैं कि एक एवरेज जो मन होता है वो भी नहीं था उस आदमी के अंदर। या तो वो आदमी बहुत परेशान था, या तो वो आदमी बहुत दुखी था। एवरेज, एक एवरेज जो समझदारी होती है, एक राजा इतने बड़े साम्राज्य के आप मालिक हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है आपका, राजा मर चुका है, आप किससे लड़ोगे? तुमने चेक एंड मेट दे दिया, कह रहे हम तो खेलेंगे, मैं सारे मराठों के किलों को कब्जा करूंगा। फिर वो शंभाजी का भाई था राजा राम, उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, इसने सीज किया सतारा को, राजा राम को भागना पड़ा, राजा राम ने जिंजी में शरण ले ली। 1690 से 1703 1690 to 1703 लिखा है बुक में, 13 साल इस आदमी ने मराठों से कोई बातचीत, बोलो बात ही नहीं करना है। क्यों? मराठों को मजा आने लगा, ये पूरब की तरफ भागता था किले पे कब्जे करने के लिए, वो पश्चिम से पत्थर मारते थे, टेरेन तो टफ थी, ये पश्चिम भागता था वो पश्चिम से, वो उत्तर से मारते थे, ये उत्तर भागता था वो दक्षिण से मारते थे। और औरंगजेब को मराठों ने मैरी गो राउंड का खेल खिला दिया, जिंजी का घेरा डाला, सब लिखा हुआ इसमें, जिंजी का घेरा डाला, 18 महीना घेरा चलता रहा, राजा राम निकल गया, टूट गया औरंगजेब, नाचते 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 टूट गया औरंगजेब। समझाने वाला कोई था नहीं, सबको पता था यार कोई पता नहीं कौन सी बात इस आदमी को बुरा लग जाए। 13 साल इसने किसी से कोई बात नहीं की, एक किले से दूसरा किला, दूसरे किले से तीसरा किला, तीसरे किले से चौथा किला, ये भागता रहा। 1703 में टायर्ड हो गया, थक गया, टूट गया, बर्बाद हो गया, सब बिक गया सर, दीने दीवाने आम का सारा सोना चांदी बिक गया, दीवाने खास का बिक गया, घर का बिक गया, सोने चांदी के बर्तन बिक गए डेकन वॉर में, राजा था ही नहीं, कंपेंसेशन किससे लोगे? घर घर में घुस के लूटोगे तो है नहीं, नहीं तो फिर लुटेरे हो जाओगे। फिर इसके जो मनसबदार थे वो भी बड़े दुखी हो गए कि यार अपना तो खैर मर ही रहा, हमें भी परेशान कर रहा। उन्होंने धीरे धीरे मराठों से अंदर अंदर समझौता कर लिया कि यार वहां बैठा है दौड़ा लो। 1703 में कहीं से अकल आई इसको, थोड़ी सी आई कहीं से, तो मैंने वो अभी आपको सुनाया। इसने मन बनाया कि नहीं, मैं शाहू को छोड़ दूंगा, उसकी माँ को छोड़ दूंगा, मैं शाहू को मराठा स्वराज भी दे दूंगा। मैंने कहा ना 70 मराठा सरदार आ गए, 70 मराठा सरदार पहुंच गए कि लाओ चलो समझौता हो जाए। अंतिम समय पे इसने मामले को रद्द कर दिया, कहा मुझे मराठों पे भरोसा नहीं। औरंगजेब 1705 में औरंगाबाद में स्थायी रूप से वहीं रुक गया। बहुत टूटा औरंगजेब, बहुत उदास औरंगजेब, रोता हुआ दुखी औरंगजेब। तब उसने गुरु को लेटर लिखा, गुरु गोविंद सिंह, उनसे कहा आप आइए, मुझे आपसे मिलना है। ये बड़ा अच्छा कदम उठाया उसने, उसे भारत की याद आई, तब ज्ञान की याद आई कि यार कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ चल रही है यार, मैं क्यों परेशान हूं। शुरुआत से गद्दी पर बैठा भाई से लड़ता रहा, जाटों से लड़ता रहा, मराठों से लड़ता रहा, सत्ता, आखिर ऐसा क्या है कि लोग मुझसे इतना नाराज हैं? मेरे बाप दादों ने भी तो इस देश पे शासन किया, उनके खिलाफ इतनी बगावत क्यों नहीं थी? शायद कहीं से अकल आई, किसी ने दिया होगा। और फिर इसने गुरु गुरु अर्जुन गुरु गोविंद सिंह को कहा कि आप आइए, मुझे आपसे मिलना है। लेकिन जब तक गुरु औरंगाबाद पहुंचते, 1707 में उस निराश औरंगजेब की डेथ हो गई। पर जाने से पहले, हालांकि वो अपने पूरे साम्राज्य को संभालने में बड़ा सक्षम था, जब तक वो जिंदा था, ये उसकी उपलब्धि है, जब तक वो जिंदा था तब तक उसका साम्राज्य बचा रहा। सबसे बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पे उसने शासन किया, इतने सारे विद्रोहों के बावजूद कहीं कुछ भी उसका बिगड़ा नहीं। लेकिन
साम्राज्य की जड़ों को उखाड़ दिया उसने, और सिर्फ अपनी गलत नीतियों की वजह से।